राजौरी गार्डन का फेमस अतुल चाट जो कि बहुत फेमस है अपनी चाट, पापड़ी, दही बल्ले और पाव भाजी और इसी के साथ साथ गोलगप्पे, मतलब जो भी होता है ना इंडियन टाइप, जो इंडियन डिश होती है, चटपटी डिश, वो सब यहाँ पर मिलते हैं। 50 रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है और 100 रुपए में खत्म हो जाता है। राजौरी गार्डन लैंडमार्क में अपना मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से किसी से भी पूछ सकते हो आप अतुल चाट जाना है। चाहे आप दिल्ली के किसी भी अड्डे में रहते हो लेकिन राजौरी गार्डन के अतुल चाट के अड्डे पर तो जरूर आना पड़ेगा। तो कैसे हो मेरे दिल्ली के चटोरों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ राजौरी गार्डन में। राजौरी गार्डन में आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफेज तो देखे ही होंगे लेकिन क्या आपने राजौरी गार्डन के वो फेमस अतुल चाट कॉर्नर के बारे में सुना है? जी हाँ, आज हम वहीं पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है राजौरी गार्डन का फेमस अतुल चाट जो कि मतलब बहुत फेमस है अपनी चाट, पापड़ी, दही बल्ले और पाव भाजी और इसी के साथ साथ गोलगप्पे, मतलब जो भी होता है ना इंडियन टाइप, जो इंडियन डिश होती है, चटपटी डिश, वो सब यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो दुकान है कितनी ज्यादा, मतलब इन्होंने सेटअप लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्या क्या आइटम बेचते हैं। ये आपको दिखा दूं कि ये पाव भाजी है जो अभी भी पक रही है, धीमी आंच पर इसको हमेशा रखा जाता है और इसके आप देख सकते हैं ऊपर, आप एक बार देखिए कि कितना ज्यादा, मतलब दिखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। आप इसको दिखाइए एक बार, ये देखने में कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है। इसके ऊपर पहले से गार्निशिंग की गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। इसके बाद हम देख लेंगे कि जो आलू की टिक्की बनती है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी क्रिस्पी आलू, आपको वीडियो में ही दिख जाएगा कि आलू कितने ज्यादा क्रिस्पी दिख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं चाट पापड़ी। ये पापड़ी है और इसमें जो ये चाट बनाते हैं ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सेव, नमकीन, पापड़ी, दही, चटनी, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेंगे गोलगप्पे। गोलगप्पे आटे वाले और सूजी वाले, बड़े बड़े गोलगप्पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कि यहाँ पर मिलती है कुल्फी। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर है फलूदा कुल्फी और स्पेशल व्रत वाली कुल्फी। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप उस टाइम भी यहाँ पर आकर स्पेशल व्रत वाली कुल्फी आराम से खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी दुकान है ये काफी ज्यादा चटपटी चीजों से भरा हुआ है। अब हम बात करते हैं इनके प्राइजेस की, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे पाव भाजी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगा और स्वाद इसका एक नंबर होने वाला है। मतलब 100 रुपए में पाव भाजी और स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और उसके बाद आलू टिक्की आपको फुल 90 रुपए की मिलेगी और हाफ 50 रुपए की मिलेगी। भल्ला पापड़ी 90 रुपए की मिल जाएगी, आलू चाट 80 रुपए के, बर्गर 70 रुपए का, भेलपूरी 70 रुपए की, सेव पूरी 80 रुपए की, बटाटा पूरी 100 रुपए की, गोलगप्पे 5 पीस 50 रुपए के, राज कचौड़ी 100 रुपए के, कुल्फी फलूदा 80 रुपए का। मतलब आपको यहाँ पर 100 रुपए के अंदर में ना आपको बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। 100 रुपए में आजकल मिलता ही क्या है, लेकिन आपको राजौरी गार्डन में चाट पापड़ी और बहुत सारी चीजें 100 रुपए के अंदर खाने को मिल जाएंगे। अगर आप 100 की पत्ती लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर खा कर जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं जिनकी ये शॉप है, कब से चला रहे हैं शॉप? ये 1970 से। 1970 से लगभग कितना टाइम हो गया? 50 इयर्स के आसपास है। इतना टाइम हो गया आपको। अच्छा, तो आपकी जो राजौरी गार्डन में जो अतुल चाट है वो काफी फेमस हो गया है, इसकी वजह क्या है? वजह इसकी चाट है, अपने मसाले हैं, चटपटा टेस्ट है। क्या क्या लगाते हैं आप? अभी तो 10 आइटम है कम से कम, पाव भाजी, टिक्की, गल्ला पापी, भेल पूरी, सेब पूरी, दही भल्ले, गोलगप्पे, बटाटा पूरी, राज कचौरी, कुल्फी फलूदा। तो ये सारे आपके अपने आइटम्स आप खुद बनाते हैं? ये अपने खुद के बनाए हुए हमारे। आप इसको क्या वैसी तरीके से बनाते हैं जो बाकी लोग बनाते हैं, आपका कोई सीक्रेट तरीका भी है? सबके अपने अपने मसाले डालने का तरीका होता है और कुछ नहीं है, बाकी सब अपने दही वगैरह सब घर का यूज करते हैं, जमाते हैं दूध लाके। अच्छा, तो ये आपने स्टार्ट किया था या किसने स्टार्ट किया था? ये मेरे डैड ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था, मतलब क्या उनको लगा कि हाँ मुझे ऐसा खोलना चाहिए चाट पापड़ी की दुकान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका खाने पीने में ही उनका ध्यान था कि खाने पीने का काम करना है, तो काफी टाइम से कर रहे हैं, अपना घर से यूज कर रहे हैं पुराने तरीकों से। आप उनके बेटे हैं? हाँ जी। तो आप किस इस दुकान को और आगे ले जाने के लिए और क्या आइटम्स आने वाले टाइम पर ऐड कर सकते हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन दिवाली पे हम काठी कबाब, रुमाली रोटी वगैरह इसमें ऐड कर देते हैं। बाकी पार्टीज वगैरह के लिए, फंक्शन वगैरह के लिए बहुत आइटम है, मूंग की दाल का चिल्ला है, बाकी सारे काफी आइटम लगाते हैं पार्टी वगैरह में जो आपको चाहिए होगा। तो आपकी दुकान पे मैं देख रही हूँ कि बहुत भीड़ रहती है, हमेशा ही भीड़ रहती है, और त्योहारों के टाइम पर तो और भी ज्यादा भीड़ रहती है,
तो लोगों को आना हो तो आप कैसे एड्रेस बता दीजिए? रजौरी गार्डन लैंडमार्क में अपना मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से किसी से भी पूछ सकते हो आप, अतुल चाट जाना है आपको सीधे लैंडमार्क बता देगा। तो आप इतने फेमस है कि कोई भी आपको बता, कोई भी कहीं से भी। जैसा कि आपने देखा ही, इन्होंने बता दिया है कि इतने फेमस है कि आप जैसी राजौरी गार्डन के मेट्रो स्टेशन पे पहुंचेंगे आपको कोई भी बता देगा कि अतुल चाट कॉर्नर कहाँ पर है। 50 रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है और 100 रुपए पे खत्म हो जाता है। तो ऐसी अच्छी डील आपको राजौरी गार्डन में कहीं और नहीं मिलेगी और इससे बढ़िया स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए अतुल चाट कॉर्नर पे जरूर आए। चाहे आप दिल्ली के किसी भी अड्डे में रहते हो, लेकिन राजौरी गार्डन के अतुल चाट के अड्डे पर तो जरूर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ, आप अगर यहाँ पर एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे और बार बार कुछ ना कुछ अच्छा ही ट्राई करके जाएंगे। और जैसे कि भैया जी ने बता दिया है कि जो एड्रेस है वो है राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल सीधी जो रोड जा रही है उस पर आप आ जाइए, या तो आप किसी से भी पूछ लिया, तो आप नॉर्मली गूगल मैप पे डाल सकते हैं अतुल चाट कॉर्नर, वहां पर भी आप गूगल मैप आपको यहाँ तक पहुँचा ही देगा। बाकी एक बार आप सीन देख लीजिए, दुकान काफी ज्यादा बढ़िया है और यहाँ पर आते ही आपके मुंह में पानी आने लगेगा इनकी चीजों को देख कर, और इनकी खुशबू को जैसे आपकी नाक में जाएगी ना, आपके जेब में जाएगा और अपने आप एक 100 का पत्ता निकलेगा और आप कुछ ना कुछ तो जरूरी खा लेंगे। तो इसी के साथ देखते रहे झलको दिल्ली और हमें कमेंट में ऐसे अड्डों के बारे में जरूर बताएं जहां पर हमें जाना चाहिए।